भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया, अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है।
एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4-4.5 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए, वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है, ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा तक करके लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे, कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं, जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, देश को एक विचारधारा
प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा ही आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का, भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।